जय माँ सर्वमंगला। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ माँ की कृपा से आप सभी अच्छे और कुशल मंगल होंगे। अभी ये मैं गेंदा की दिखा रही हूँ, गेंदा की पौधा पौधा नहीं बनी है। तो ये है ना, हमने डाली काट के पानी में बोतल बोतल में पानी भर के फिर उसके अंदर मैंने रख दिया है कुछ इस तरह से। अब इसके जड़ जब निकलेगी तब तो मैं दूसरे गमले में मैं लगा दूंगी। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और आज मैं माँ के लिए भोग बना रही हूँ। तो 15-20 दिन हो गए हैं मैं माँ के लिए कुछ भी भोग नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि बच्चे आए हुए थे गर्मी की छुट्टी में और नाती नातिन दोएता दोएती, तो मैं भोग नहीं बना पाई। माँ को बस फलों की भोग लगाई है, आम केले कुछ भी, मतलब लीची वगैरह जो मिल रहे हैं सीजन का फल। तो आज मैं बनाऊंगी माँ के लिए भोग। तो इसके लिए देखिए, माँ के पूजा के जो बर्तन है हमने मांज लिया है, ये तैयार है, मांज के तैयार कर लिया है हमने। अभी मैं बनाऊंगी हलवा, आम के पके हुए आम के हलवा माँ के लिए बनाऊंगी आज। ये देखिए, हमने आम ले लिया है एक आम। तो इस आम के पल्प को पहले निकाल के ग्राइंड कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे। आगे दिखाते हैं। ये देखिए, हमने कढ़ाई बैठा दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी घी 2 चम्मच, 3 4 डाल रही हूँ। तो हलवा बना रही हूँ तो अच्छा सा घी डालेंगे, तो फ्राई करेंगे तो अच्छी बनेगी। तो इसमें डाल रही हूँ, घी गर्म हो चुकी है। ये देखिए, अब मैं डाल रही हूँ सूजी 1 कटोरी। इसे धीमी आंच में फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, हमने सूजी को अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए, अब इसमें डालूंगी मैं पानी। ये देखिए, पानी सोख लिया है सूजी एकदम। अभी देखिए, इसमें डालूंगी मैं आम जो हमने प्यूरी बना के रखे थे। अब इसे डाल के अच्छी तरह से पका लूंगी इसे। ये देखिए, आम पक चुकी है। अब इसमें डालूंगी मैं चीनी। जितना मैंने सूजी ली थी उतना ही मैंने चीनी डाल दी है। अब अपने हिसाब से डालिएगा। मैं तो माँ के लिए भोग बना रही हूँ, तो मीठा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए, हलवा बन के रेडी है। अब इसे निकाल लेते हैं, भोग लगाने के लिए एकदम रेडी है। देखिए, मैं हलवा लेके आ गई हूँ भोग लगाने के लिए। वो कटोरी में मैंने डाल दिया था, अभी दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने हलवा निकाल लिया है कटोरी में से। अब ये इसमें तुलसी का पत्ता डाल रही हूँ। अब ये है गिलास, इसमें जल भर देते हैं। जय माँ सर्वमंगला। माता रानी के भोग के दर्शन कर लीजिए। ये है माँ के भोग है और ये है माँ।